वीवर्स, आज यहाँ पर बहुत से मौजूद मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, और आज हमारे पास जो है वो आरिफ साहब जो है वो हैं, और ये सेंट पॉल चर्च के जनरल सेक्रेटरी हैं, और खुदावन ने अपने बंदा को बड़ी बरकत बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है। इनके व्यूज़ जानने वाले होंगे कि वो आज के दिन के बारे में, जबकि खुशी का समा है, तो इनसे जानने वाले होंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मसीह यसू के नाम में आप सबकी सलामती हो। थोड़ा लाउड। और आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है, बिलखसूस कराची बलोचिस्तान डायसिस के लिए, और एक बहुत अहम दिन है आज का मसीही कौम के लिए, कराची के लिए, बलोचिस्तान के लिए। एक ऐसे शख्स की आज मुंतखब हुए हैं, ऐसा शख्स कि जो शायद आगे चल के हमारे डायसिस के लिए बाई से बरकत साबित हो और बाई से तरक्की साबित हो, तरक्की के लिए। जिस तरह पिछले एतवार में आपने देखा कि डायसिस के बिशप साहब रिटायर होने के बाद उनकी सीट्स खाली थी, और बिशप साहब पर दो दफ़ा इलेक्शन हुए, लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुआ है खुदावन के फजल से, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि फ्रेडरिक जॉन साहब मुंतखब हुए हैं, और हम सबको उम्मीद है कलीसियाई तौर पर कि वो बेहतर और बेहतरीन काम करेंगे। इसके साथ कराची डायसिस को भी हम अपने दिली तौर पर मुबारकबाद देते हैं, बलोचिस्तान और कराची डायसिस को, और ये उम्मीद करते हैं इनसे कि ये अच्छे बिशप साबित होंगे, गुज़रे इतवार की तरह नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स, बेहतरीन तालीमी इदारे, बिलखसूस जो हमारे मसीही तालीमी इदारे हैं उनके लिए हमारे कलीसियाई तौर पर बहुत अच्छे काम करेंगे। जिस तरह हमारी छोटी आबादियाँ हैं कुरंगी में हैं, कराची में और बहुत सारी जगहों पर, उनमें तरक्की का बायस बनेंगी। बहुत शुक्रिया जी। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.